हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू इंडियन एरा दिस इज सेजल हियर सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री जैसे कि हमारा ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हो चुका है ठीक है सो वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ चैप्टर फिर सेकंड और थर्ड ही बाकी होगा विल कंप्लीट दैट आल्सो सो इट्स विल वेट फॉर 2 मिनट्स फटाफट ज्वाइन हो जाओ वैसे भी कौन ही ज्वाइन होता है फ़टाफट आ जाओ Hi, Yusuf. Hi, Rohan. So, how was your exam yesterday, Yusuf? हाई मैम प्लीज मराठी में लो नहीं मराठी नहीं आती मुझे ओके सो मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल थे बट आपने लिखा है हैव यू दैट वेरी क्वेश्चन इन योर एग्जाम ओके दैट्स गुड श्रुति पूर्वा सब हैं है रहे हैं क्या आज ज्योग्राफी का पेपर है ओके, okay. सो so, जो वो थोड़ा लेंदी है तो एक या दो लेक्चर लेंगे उसके ठीक है खत्म करने के लिए सो so, अगर इफ पॉसिबल तो हमारा थर्सडे को तो लेक्चर होता नहीं है बट आई टेक थर्सडे ठीक है तुम्हारा तो लेक्चर मैं थर्सडे को भी लूंगी पॉसिबल दो 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 टाइम हो जाएगा ठीक है सो यो पोर्शन विल बी कम्प्लीटेड सुन पोर्शन कंप्लीट होने की घाई सबको है स्टूडेंट्स को भी और लोगों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या बोल रहे हो तुम बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है मैं दिखाई दे रही हूं सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ठीक है ऑलमोस्ट थोड़े बहुत लोग ज्वाइन हो ही चुके हैं So today we are going to see this very topic that is what is art, Indian tradition of visual arts, then Indian traditions of performing arts, everything about art. Okay? Let's start. Ma'am, I am I'm Adnan. Yeah, hi Adnan. How are you? Ma'am channel. Geographic important questions. Geographic important questions. मैंने अलग से नहीं बनाए थे हिस्ट्री के जोग्राफ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अलग से रिकॉर्ड किए थे बट जोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जब नाइन्थ चैप्टर पढ़ोगे आपके जोग्राफी का मैंने उसी में बता दिया था ठीक है तो आप उसको सर्च कर लेना आपका नाइन्थ चैप्टर जो भी होगा शायद आई एम नॉट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था तो अगर आप टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने एट लास्ट वहाँ पे आपको जोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ठीक है सो यू कैन गो थ्रू इट

कि ऑलरेडी वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती है अगर हमें खेलना कूदना है तो हमें कोई सिखाता नहीं है वो हम चालू हो जाते हैं खेलना कूदना ठीक है so, सो वैसे ही कुछ आर्ट डिज़ाइन करना हो या देखो बहुत सारे ऐसा आर्टिस्ट होते हैं अपने इमेजिनेशन से बहुत कुछ क्रिएट कर देते हैं like, लाइक अगर उनके दिमाग में अगर आपने देखा होगा टीवी वगैरह में तो अगर जैसे किसी ने कुछ क्राइम किया है या फिर कुछ भी हुआ है तो वो लोग आर्टिस्ट को बुलाते हैं एंड वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी आंखें ऐसी थी उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो भी था ऐसा था

पेंटर्स लोग देखो कभी कभी किसी के इमोशंस को दिखाते हैं या फिर जो भी उन्होंने किया है अपनी लाइफ में वो एक पिक्चर के थ्रू वो बयां करते ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्नॉलेज ऑफ आर्ट द आर्टिस्ट पावर्स ऑफ इमेजिनेशन सेंसिबिलिटी स्टेट ऑफ इमोशन एंड वेट अ सेकेंड द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन सेंसिबिलिटी स्टेट ऑफ इमोशन एंड स्किल्स एक आर्टिस्ट को आर्ट क्रिएट करने के लिए वो क्या क्या होते हैं लाइक like, उनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए उनकी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए इफ अगर कोई उनके बारे में बता रहा है उनकी सेंसिबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए इमेजिनेशन कि वो बस वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है उसको देख के उसको समझ के वो अपना आर्ट क्रिएट कर सके ठीक है सो so, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर द आर्टिस्ट हाँ दो टाइप के आर्ट्स होते हैं एक विजुअल आर्ट एंड एक परफॉर्मिंग आर्ट so, वो क्या है वो देखते हैं द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप इज दृ कला एंड फॉर द सेकेंड टाइप इज ललित और अंगिक कला Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते आपने देखा होगा बहुत सारे लाइक हिस्टोरिक टाइम्स पे जो वो केव्स होते थे या फिर जो पत्थर होते थे वो पत्थर को ऐसे इंस्क्रिप्शन बनाते थे ठीक है ऐसे कुछ मतलब कुछ क्रिएट करके उसी पे अपना कुछ पिक्चर ड्रॉ करके कुछ क्रिएट करके बहुत सारे आप अजंता केव जाओगे या फिर बहुत सारे ऐसे केव्स में जाओगे तो आपको बहुत अलग अलग पिक्चर्स डिजाइन हुई मिलेंगी वो पत्थर पर ठीक है

ट्रेडिशन ट्रेडिशन the फ्रॉम times the टाइम्स एक्सप्रेशन ऑफ art is a natural पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग सो देखो यहाँ पे जब हम अभी हम जो रिचुअल फॉलो करते हैं वो बहुत पहले से ही वो रिचुअल्स फॉलो होते आ रहे हैं ठीक है एंड जो फोक आर्ट्स वगैरह थे वो बहुत पहले से ही थे So, हम पहले से जो भी चीजें चल रही है वो हम अभी तक उसको क्या कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है तो वो जो आर्ट्स वगैरह थे जो क्लासिकल आर्ट्स हो गए या फिर विजुअल आर्ट्स हो गए दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पास्ट टाइम्स ठीक है एंड वो हम इसको अभी तक लेके आ रहे हैं उस चीज को Hence, जिकल ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट अगर आप लोग आर्ट को देखो या फिर किसी पेंटिंग को देखो या फिर फोक डांस देखो क्लासिकल डांस देखो तो ये सारे लोग के लिए क्या है पहले क्या होता था ये खुद से लोग करते थे बट अगर जिसको सीखने की इच्छा है या फिर उनके डिजायर है कि मुझे ये सीखना है सो उनके लिए ट्रेनर्स वगैरह भी आते हैं जो फोक में अच्छे हो या फिर जिनको एक्सपीरियंस हो अच्छा ये सारी चीजों का ठीक है स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट सो देखो यहाँ पे कोई कोई चीज हम कॉपी करके करते हैं And कोई कोई चीज जो हमारे में खुद इंकल्केट होती है आई यू अंडरस्टैंडिंग कोई चीज हम किसी का कॉपी कर लिया एंड देन हम वो उस चीज को कर रहे हैं बट कुछ चीजें हमें इनकल करनी होती है अपने लाइफ में ठीक है सो so, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बताया आर्टिस्ट टेन टू है आर्टिस्ट है उनका एक तरीका होता है अपना अपना तरीका अपनी अपनी स्टाइल है कुछ चीजें करने की ठीक है अगर बहुत सारे लोग 90 परसेंट स्कोर कर रहे हैं एटी परसेंट स्कोर कर रहे हैं तो अलग अलग उनका डेडिकेशन होगा डिटर्मिनेशन होगा या फिर बहुत वो लोग कुछ अलग स्टाइल होगा उनका 90 परसेंट लाने का अभी यहाँ पे जितने फैकल्टीज है आपके टीचर्स हो गए आपके क्लासेस वाले हो गए सब आपको पढ़ा रहे ठीक है स्टूडेंट्स है नाइन्टी स्टूडेंट्स है इन अ क्लास एंड वो टीचर्स सेम सबको वही पढ़ा रहा है ठीक है बट कोई अच्छा स्कोर कर रहा है एंड कोई एवरेज स्कोर कर रहा है कोई फेल हो गया सो so, वो किसके ऊपर डिपेंड है डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि उनका क्या मेथड ऑफ टीचिंग है ट्रेडिशन ठीक है तो अगर कोई चीज बहुत uh, मतलब ऐसे सालों से चलती आती है तो वो एक ट्रेडिशन हो जाता है वो एक रीति रिवाज हो जाता है कि हाँ ये पहले से चलती आ रही तो अभी तक भी क्या होगा इसका कंटिन्यू हम करेंगे तो सच ट्रेडिशन गेट्स एस्टैब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल एंड दैट इज व्हाट आर्टिस्ट लोग भी यही करते हैं जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका अलग-अलग स्टाइल हो गया एंड अगर वो चीज को अपने तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं आर्ट स्टाइल ठीक है <laughs> हाँ ये विजुअल आर्ट वगैरह पर आपको क्वेश्चन आ सकता है एंड इफ एम नॉट रॉन्ग ये मैंने बताया था आपको ये जो फोर्थ चैप्टर है फोर्थ चैप्टर से लेके एट नाइन चैप्टर तक ये पूरे सिक्सटीन मार्क्स कवर होते हैं इसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट हाँ ये जो फाइव चैप्टर्स है ये पूरे मिला के आपको सिक्सटीन मार्क्स के लिए आते हैं विदाउट ऑप्शन ओके so let's proceed further various art styles develop in very every culture which are characteristic of a certain period and region such styles are helpful in studying art history so dekho yahan pe अलग अलग caste है अलग अलग religion है ठीक है सो उनके अलग अलग festival celebrate करते हैं बोल है ना सो देखो अगर आप तमिलनाडु में जाओगे या फिर आपने देखा होगा केरला वगैरह में आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा वहाँ के अलग ही कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग चीज़ें वो करते हैं ठीक है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कल्चर तो सबका क्या है कल्चर है ट्रेडिशन है दे फॉलो दैट ठीक है सो वैसे यहाँ पे क्या हो गया जो भी हिस्ट्री में जितनी सारे आर्टिस्ट हैं आर्ट्स देखता आ रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं तो वो सारी क्या हो गई है एक प्रीहिस्टोरिक बन चुकी है हिस्टोरिक से पहले ही जिसने ये सब सारी चीज़ें देखी थी ऑलरेडी वो लोग एक ड्रॉ कर चुके हैं सारी पिक्चर्स एंड वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे तक सो दैट सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री ठीक है अगर हम हिस्ट्री कैसे पढ़ पा रहे हैं बिकॉज जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी एंड वहाँ पे वो लोग मौजूद थे कि ऐसा ऐसा हुआ था ये आर्ट्स होते थे ये कल्चर होता था ये ट्रेडिशन फॉलो होते थे सो so, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्या हुए देखी हुई है

पेंटिंग करते हैं ठीक है सो पेंटिंग हम ऐसे कुछ इमेजिनेशन करके देख लिया हमने या फिर हमने कहीं पे कुछ चीजें देखी होगी या फिर किसी इमोशंस के बारे में हम लोग पढ़ा होगा या फिर देखा होगा तो वो हम क्या कर लिया अपने पेंटिंग के थ्रू पे दिखा दिया शो कर दिया सो so वो जो आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग है उसको क्या बोलते हैं हम विजुअल आर्ट यहाँ पे आर्ट ऑफ पेंटिंग पेंटिंग्स आर

नेचर ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल देखो यहाँ पे आपको ये पेंटिंग दिखाई दी होगी या फिर आप कहीं पे भी कोई एग्जीबिशन में जाओगे ठीक है तो वहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स रखी होंगी जिसकी बहुत बेस्ट पेंटिंग होती है फिर आपने देखा होगा मोना लीज़ा की पेंटिंग ठीक है एंड भी और अजंता केव्स में और भी ऐसे केव्स है या फिर उनमें कुछ ऐसे पेंटिंग्स दिखाई दी गई है ठीक है सो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है सो दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेसिस सच एज रॉक्स वॉल्स पेपर्स कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स सो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पेंटिंग सिर्फ वहाँ पे हमको पेपर एक दिया हुआ जैसे हम स्कूल में करते थे एक ड्रॉइंग क्लासेस चल रहा है या फिर एग्जाम है ड्रॉइंग का तो हमको एक पेपर शीट मिल गया एंड हम उसमें अपना ड्रॉइंग करते जा रहे हैं ठीक है सो मोस्ट ऑफ दम क्या करते हैं वो पहाड़ बनाते हैं पीछे सूर्य भगवान निकल आई मीन सन निकल रहा है एंड देन फिर वो ऐसे चीजें होती है ना ऐसे क्रिएट करते हैं सी यर कि वैन यू ड्रॉइंग लेक्चर इज देयर मैं तो यही करती थी पहाड़ बनाती थी ड्राइंग में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं यहाँ पर देखो ये पहाड़ बना दिया ठीक है फिर यहाँ से वो सन निकल रहा है है ना एंड देन यहाँ पे पानी आ रहा है और फिर ये यहाँ पे घर <laughs> सॉरी यहाँ पे घर है और यहाँ पे ट्रीज है यहाँ पे ट्रीज है ठीक है थीके? ट्रीज के सारे पत्ते झड़ चुके हैं ये उसके ब्रांचेस है और ये इसमें एप्पल है है ना तो ये सारे को ये इसमें पेंटिंग हो गई या फिर कोई चीजें हो गई मैम मराठी में ठीक है ना देखो यहाँ पे

आप कहीं पर भी जाओ किसी वॉल पे भी आपको देखो पत्थरों से आपने देखा होगा गणपति के टाइम या फिर नवरात्रि के टाइम वो लोग ऐसे शेप देते हैं फिर उसको ऐसे कुछ ऐसे आ, कुछ ऐसे हैमर वगैरह होता है जिससे वो ऐसे उसको शेप देते हैं ताकि सारी चीजें क्या हो एक आर्टिस्ट यही सारी चीजें करता है ठीक है पेपर हो गया कैनवास हो गया सो तो गए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड डिफरेंट इमेजिनेशन होते हैं कुछ को देखो जो अर्दन पॉट्स होते हैं द दूरल ऑफ बुद्धि सत्वाजेंता केव इज वन ऑफ दर्ट ऑफ पेंटिंग सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये द मूरल ऑफ बुद्धिस्ट पद्मनी ठीक है तो ये क्या है उनका एक अलग ही ये आर्ट ऑफ पेंटिंग किया था एंड दिस इज वेरी फेमस यू कैन सी हियर नाउ नेक्स्ट इज व्हाट फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमें देखा आर्ट ऑफ पेंटिंग नाउ हियर वी कैन सी फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग

एंड यहाँ पे ज्यादा करके किसके लिए फेमस है ये जो आपको यहाँ पे जो स्टेट्स के नाम बताए गए हैं फॉर द रॉक पेंटिंग जो पत्थरों पे पेंटिंग और स्कल्पचर किए जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ये Rock paintings usually depict human, animal, and geometrical figures. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from Stone Ages to beginning of agriculture. अगर आपने देखा होगा Stone Age period से लेके अभी तक जो period चल रहा है बहुत ही vast difference है. So तब के time पे folk art, classical art, visual art, whatever art ठीक है वो तब से लेके अभी तक कुछ तो कुछ changes आया होगा. तो उसमें वो लुक में डिफरेंट होगा एंड ये लुक में क्या होगा डिफरेंट होगा वो लोग जो रॉक पेंटिंग्स करते थे कुछ अलग तरीके से करते होंगे बट यहाँ पे इतनी आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वो किसी और मतलब कुछ मशीनरी का अप्लाई करके या फिर हाथों से कुछ और इंटरक्टिव क्रिएट करके अट्रैक्टिव ठीक है तो वो होता है आजकल ना देखो द चेंज इज विजिबल इन द डेपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोन और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेन वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वर व देखो अगर पहले अगर वो लोग कलर्स वगैरह नहीं यूज करते थे आपने देखा होगा लाइक अलग अलग गणपति जी की मूर्ति होती है ठीक है सो so वो लोग अलग अलग, अलग आर्टिस्ट लोग जो भी उसको डिजाइन करते हैं डिजाइन इट कि वो जो क्रिएट करते अलग अलग कलर्स अप्लाई करते हैं उस पर ठीक है <laughs> अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह होते हैं सो so यहाँ पे भी क्या हो गया विच वी मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस अभी आजकल देखो केमिकल यूज होता है बट दैट टाइम वॉट दे आर डूइंग वॉट देर डूइंग कि वहाँ पर नेचुरल सब्सटेंसेज यूज़ करते थे अभी देखो अभी होली आ रही है फिर कुछ भी कुछ चीज़ें वो लोग हैंडमेड इट मीनस कि होम मेड बनाते हैं ठीक है कुछ फ्रूट कलर यूज़ करके या फ्रूट पल्प यूज करके बट कुछ चीज़ें केमिकल वाइज होती है तो यहाँ पे वही बताया है कि जो वहाँ पर तब के टाइम पर बनती थी वो नेचुरल सब्सटेंसेज का यूज़ करके बनती थी सो विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियन पीपल अबाउट दर नेचुरल सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लाइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस, सो अगर नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं सो इट मीन की वॉट एवर दैट ऑलरेडी ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर है ना जो भी वो लोग करते हैं ऑलरेडी उनको नेचर से मिली हुई है तो यहाँ पे वो लोग क्या देखते थे जितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो द नॉलेज ऑफ एंशियन पीपल सो एंशियन पीपल का नॉलेज देखने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए देखते थे वो एक्सप्लोइ करते थे ऑब्वियसली अगर हम कुछ चीजें नेचर से ले रहे हैं सो इट मीन्स की आर एक्सप्लोइिंग द नेचर है ना

फर्स्ट uh, एक रुपये दो रुपये लिखा हुआ है देन पीछे उसके कुछ अलग ही आर्ट क्रिएट होता है ठीक है सो दैट इज आर्ट पेंटिंग्स ठीक है एंड इंस्क्रिप्टिंग सो कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्ट यार्ड्स आपने देखा होगा बहुत वैसे महाराजा के टाइम पे या फिर आपने टीवीज मूवीज में देखा होगा है ना जैसे रिलीजियस फिल्म्स होती थी उनके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स क्रिएट होते थे या फिर उन्होंने किए होते थे ऐसी मूर्तियां वो लोग ने डिजाइन की होती थी दैट इज रियली वेरी ब्यूटिफुल ठीक है

ोग्रफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई ऑलरेडी गिवन यू मैंने अलग से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे बट वेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दी लास्ट चैप्टर ऑफ जोग्राफी तभी मैंने आपको दिए थे ठीक है तो अगर आप वहां पे सर्च करोगे ठीक है कि नाइन्थर दूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सो उसके एट द एंड में मैंने आपको जोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे यू कैन रेफर इट स्टूडेंट ओके हाँ सो टीम रॉक मैम कल मेरा ज्योग्राफी का पेपर है तो मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए आज जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसको रेफर कर लेना एंड अगर आपके स्कूल में भी प्रीलिम्स चलते हो जो पहले ऑलरेडी हो चुके हो उसको भी रेफर कर लेना नॉट टेलिंग यू कि जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए वही रेफर करना बट तो आपके जो क्लासेस और कॉलेजेस में भी स्कूल्स वगैरह में जो भी वो प्रीलिम्स लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू रेफर मैम याद करना जरूरी है क्या ऑब्वियसली याद करना जरूरी है अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे माइंड में आएगा ठीक है सी क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग

ट हम लोग ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में सो वैसे ही यहाँ पे भी आर्ट पढ़ने के लिए या फिर वहां पे कुछ सीखने के लिए देखने के लिए यहाँ पे हमने कुछ चीजें सीखी हुई है तो वहां पे भी आर्ट के लिए भी क्या होते थे हिस्टोरियंस वगैरह होते थे ठीक है आर्टिस्ट वगैरह होते थे एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो हमारे हिस्ट्री के स्कॉलर्स थे हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स हो गए फिर लियोनार्डो हो गए तो वैसे ही यहाँ पे आर्टिस्ट होते थे फॉर द एंशन इंडियन स्कॉलर सो उन्होंने सिक्स एक्सपेक्ट्स बताए हुए हमें ठीक है और बहुत ही बारीकी तरीके से दैट इज दे इंक्लूड रूप भेदा डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म सो इज रूप भेदा इट डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स देखो अलग अलग बॉडीज होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके कोई कलर में डिफरेंस होगा साइज में डिफरेंस होगा है ना सो so, उसको बोलते हैं प्रमाणा प्रपोर्शन डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज देन भावा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो लावण्य योजना एस्थेटिक सदर यूस्टा रिसेम्बलेंस टू रियलिटी वर्णिका कलर कंपोजिशंस सो so, ये जो भी आर्टिस्ट लोग हैं उन्होंने जो, जो बॉडी स्ट्रक्चर से ही कंपेयर किया हुआ है देखो अगर आप डांस करो या फिर कुछ चीजें करो हमारी जेस्टर एंड पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है so, सो वैसे ही यहां पे सिक्स एक्सपेक्ट दिए हुए हैं किसने दिए थे वो इंडियन स्कॉलर्स ने एंशिएंट के टाइम पे नाउ अग्मा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स हरे रामा हरे कृष्ण टेम्पल वहाँ का जो आर्किटेक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड द वे क्रिएटेड टेम्पल इट्स वेरी डिफरेंट अगर आप वहां पर देखो तो ठीक है तो यहाँ पे भी सेम चीजें दी गई हुई है उनका पेंटिंग करने का स्टाइल आर्ट का स्टाइल सारी चीजें इज डिफरेंट Now see Manichu painting painting and and manuscripts. The painting in the early manuscripts show an influence of Persian style. So ये शो करता है जो भी के लोग रहते थे वो कौन से style में सारी चीजें करते थे They have different style. आज हम Indians कुछ स्टाइल कुछ अमेरिकन स्टाइल होता है इंडियन स्टाइल्स होते हैं अगर आप कंप्यूटर में fonts भी देखो तो अलग अलग स्टाइल्स के होते हैं तो so, वैसे एक आर्ट एक आर्टिस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं

दोनों का एक ब्लेंडिंग था वहां पे मिक्सचर था वहां पे किसका इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल का एंड उन्होंने ये स्टाइल वहां पे डेवलप की थी दे हैव ब्लेंडेड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग ठीक है कल्चरल देख लिया हम लोग ने अब देखो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग सो so, देखो यहाँ पे जब ब्रिटिश लोग हम पे रूल करते थे सो दैट टाइम क्या था कि उनके भी अलग अलग कुछ स्टाइल्स होते थे पेंटिंग्स होता था सो दैट टाइम अगर वो इंडियंस लोग उसको देखते थे तो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पेंटिंग्स सो उनके मन में आता था कि ये लोग भी कर सकते तो हमें भी कुछ क्रिएटिविटी करना चाहिए ठीक है सो so, देखो एन आर्ट स्कूल वॉज एस्टेब्लिस्ड एन आर्ट स्कूल वॉज एस्टैब्लिश अंडर दीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्सिश आर्टिस्ट इन दाइम्स ऑफ सेविया माधवराव पेशवा इन शनिवार वाड़ा इन पुणे ठीक है तो यहाँ पे इन चीजों को जब इन्फ्लुंस होने लगा सब बहुत ही ज्यादा प्रेरित होने लगे तो ये सारे स्कूल वगैरह सेटअप होने लगे फॉर द आर्ट जितने भी लोग थे उनकी जो क्रिएटिविटी थी उनको एक प्लेटफॉर्म मिला फॉर शोइंग दैट आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है जिससे अगर आज देखो हम वहां पे अगर हमको शिवाजी की मूर्ति नहीं पता रहती हमने शिवाजी महाराज को देखा था क्या नहीं देखा था बट उनकी मूर्ति की वजह से उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियों की वजह से विनोद तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स होते थे paintings and artists होते थे कि अ स्पेशल यूरोपियंस वाले जो आर्टिस्ट होते थे उनसे भी ये लोग क्या होते घुल <laughs> मिल चुके थे सो so, जो वैसा वो जो जो भी परफॉर्म करते थे या पेंटिंग करते थे तो वो भी उनके साथ वो इंक्लूड हो जाते थे

उन्होंने so, रॉक जो रॉक्स होते हैं ना उसको कट करके उसको शेप दे के उसको साइज साइज़ में लाके मतलब ऐसे शेप वगैरह देते थे उनकी कलर ऑफ पेंटिंग्स करते थे तो वो भी अभी क्या है प्रिजर्व करके रखी हुई है मैम ब्रीफ के लिए फोर इम्पॉइंट्स ठीक है ना देखो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में चार मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट सेवन टू एट पॉइंट्स और सेवन टू एट पॉइंट नहीं एक लाइन में लिख दिया एक पॉइंट दूसरे लाइन में दूसरा पॉइंट ऐसे नहीं आपको ऐसे वन एंड हाफ ऑफ लाइन करके कंप्लीट करना बिकॉज इट इज फॉर मार्क्स ठीक है तो आप लिखोगे, तो आप लिखोगे चार मार्क्स तो नहीं मिलेंगे मे बी आपको सिर्फ तीन मार्क्स मिलेंगे ठीक है एंड दो मार्क्स के लिए हाँ यू कैन राइट फोर पॉइंट्स अगर क्वेश्चन में आया दो मार्क्स के लिए जैसे कि वॉट इज हिस्ट्रोग्राफी सो हिस्ट्रोग्राफी मोस्टली कम्स फॉर टू अगर आपको दोनों आया वॉट इज हिस्ट्रोग्राफी ियस नोन एज हिस्टोरियंस तो ये आपको दो मार्क्स के लिए आ सकता है अगर पूरा रट्टा मारोगे तो कुछ लर्न नहीं होने वाला है पहले उसके पॉइंट को समझ लीजिए एंड प्लीज पैराग्राफ राइटिंग मत करना आंसर में पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो आपके जो भी आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे एंड एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा तो अगर आप अपनी जो राइटिंग है उसको पॉइंट वाइज लिखोगे सो इट शुड बी वेरी प्रीसाइज वे ठीक है इन अ प्रीसाइज वे ठीक है मैम फर्स्ट इन योर क्लास देखिए यहाँ पे पूरा मराठी मराठ पूरा यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट होने आए बट बर... You people still, आपको मराठी की मैम चाहिए या मराठी के लोग चाहिए तो यहाँ पे आप तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रोसीड फॉर्दर देखो एग्जैक्ट प्रोटे पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन स्टाइल सो कभी कभी क्या होता था जैसे लोग थे अगर उनको वैसे ही आर्ट पसंद थे वैसी स्टाइल पसंद थी तो वो लोग सेम ऐसा फीचर्स लाते थे वहां पे ऐसा कुछ अपनी तरीके से स्टाइल और पेंटिंग करते थे यूरोपियन स्टाइल में जो कि एकदम सेम टू सेम दिखे ठीक है नंबर ऑफ रियोन आर्टिस्ट वेन इन द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट and industry which was established in 1857 c offering courses in european style of painting pestonaji bomanji and alumni of this school made replicas of ajanta painting समझ में आ रही ये सारी चीज़ें लाइक कैसे इट मीन्स कि वो लोग को खुद को तो अपना स्टाइल दे के एंड क्रिएट देयर ओन स्टाइल वो लोग खुद से पेंटिंग बना सकते थे कुछ इमेजिन करके कुछ अपने जो भी रॉक केव जो कटिंग होते थे उसको साइज और शेप दे के बट उनको और भी चीज़ें इसमें करनी थी तो वो लोग जो जे जे स्कूल था आर्ट का वो सारी इंडस्ट्री में जाके उन्होंने खुद से सीखते थे एंड जो ट्रेनर्स वगैरह आते थे उनको वो टीच करते थे देखो स्कल्चुरल आर्ट स्कल्चुर आर्ट वेट अ सेकेंड गाइज ओके सॉरी स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट ओके यहाँ पे देखिए स्कल्पचरल आर्ट्स स्कल्पचर्स आर थ्री डायमेंशनल सच एज इमेजेस स्टैचूज पोस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स विद आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट हमने देखा था क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स में दो डायमेंशन थे है ना एंड यहाँ पे स्कल्पचरल आर्ट में दे हैव गिवन यू द थ्री डायमेंशनल सो व्हाट इज दैट इमेजेस स्टैचूज़ देखो कुछ चीजें स्टैचूज में होती हैं कुछ चीजें आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन अमेरिका स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात तो ऐसे जो स्टैचूज होते हैं वो भी वो क्रिएट मतलब ऐसे स्टैचूज हो गए वो पोर्ट्स हो गए इमेजेस हो गए सो इन्होंने ये भी सारी चीजें आर्टिस्ट लोग ने बनाई गई है ठीक है और जो भी बनती है वो कुछ रॉक से बनती है कुछ साइज से कुछ शेप देके उसमें कटिंग करके ठीक है ना क्रिएटिंग रॉक और मेटल और क्ले इज यूज आपने देखा होगा बचपन में जब टीचर्स लोग हमको कुछ असाइनमेंट देती थी या फिर कुछ क्ले से हमें कुछ बनाना होता था ठीक है तो एक मिनट सो आई क्ले देखो बचपन में मैम लोग भी टीचर्स लोग भी कुछ हमें क्ले से बनाने के लिए बोलती थी या फिर आप देख लो अर्दिन पॉट्स देख लो वो जो पॉर्टल वगैरह होते वो भी कुछ डिजाइन करते अलग अलग तरीके से अगर आपने एक पॉट को देखा होगा कुछ पॉट्स आपने देखा होगा एकदम सिंपल कुछ चीजें नहीं है उसमें बस वो पॉट्स क्रिएट कर देते थे पॉटर लोग बट देखा होगा कभी कभी उसमें डिजाइन भी होते हैं तो वो भी एक आर्ट हो गया ठीक है कार्विंग करते थे रॉक्स कल्चर आर मेड बाय कार्विंग मेटल कल्चर आर मेड विद एंड क्लेस आई दिल्ली आपने देखा होगा आप अगर रंगोली बनाते हो ठीक है तो माउल्ड आते हैं ठीक है मोल्ड्स आते हैं उसके आप उसमें ऐसे आ, कुछ उसमें ऑलरेडी पिक्चर्स दिए रहते हैं या फिर कुछ डिजाइन वगैरह दिए होते बस आपको क्या होता है कलर सिर्फ उसमें स्प्रेड करना होता है एंड वो कलर आपने स्प्रेड कर दिया या फिर कुछ कलर आपने डाल दिया तो वो ऑलरेडी मेड अप हो जाता था ठीक है सो यहाँ पे वही दिया हुआ है मोल्ड्स वगैरह दिए हुए हैं कि वो लोग डायरेक्टली अपने हाथ से करते थे या फिर कुछ शेप साइज अभी देखो आपको अगर दिवाली में ऐसे कुछ आ, या फिर मोदक वगैरह बनाने में वो जो मोल्ड्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं मोल्ड्स आपने देखो आ, दिवाली में करंजी बनाते हैं या फिर आ, गणेश चतुर्थी के टाइम वो मोदक बनाते हैं तो वो लोग क्यों इतना शेप उनका क्यों अच्छा होता है बिकॉज कुछ चीजें हाथ से वो लोग बनाते हैं एंड कुछ चीजें दे पुट इन दैट मोल्ड एंड दे क्रिएटेड तो उसका शेप और साइज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है The entire temple of Kailasa at Verul is unique mon monolithic sculpture carved out of a single rock. तो जो मोनोलिथिक स्कल्पचर है बहुत ही ज्यादा यूनिक है बिकॉज सिर्फ एक ही पत्थर से उसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है ठीक है दे डोंट हैव यूज्ड डिफरेंट जो भी उसके पत्थर होते हैं या फिर स्टाइल्स होते हैं बट एक ही पत्थर से उन्होंने अपना ओन स्टाइल देख के इसको क्रिएट किया था द लैंड कैपिटल ऑफ अशोक फाउंड एट सरनाथ इज नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया आपने देखा होगा हमारे uh, में भी एंड देन फिर वो नेशनल जहाँ पे थ्री लाइन होते हैं आगे पीछे ठीक है सो स्टाइल्स ऑफ हैल आर्ट द कल्चरल आर्ट इज ऑल्सो नोन एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एजेस कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन सेट टू बी द बिगिनिंग ऑफ कल्चरल आर्ट अगर ये सारी चीजें वो लोग सेटअप कर लेते थे सारी चीजें उनके पास अवेलेबल हो जाती थी तो दिस इज नोन टू बी आर्ट। द कस्टम्स ऑफ मेकिंग मेजेस फॉर रिचुअल्स एज बिन प्रीवेलेंट इन इंडिया सिंस हरप्पन टाइम्स देखो हमने पहले से बताया था जो हरप्पिन टाइम्स के एशियंट टाइम्स के जो भी लोग होते थे या फिर जो ये चीजें जो रीति रिवाज चली आ रही है तब के टाइम से कि हमको ये सारी चीजें करना है देखो हम अपने घर पे कुछ रीति रिवाज फॉलो करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग्स या फिर ड्यूरिंग पूजा तो वो क्या होती कि नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है क्यों इट एज कंटिन्यू टल टूडे लाइक बंगाल बिहार गुजरात राजस्थान एक्सेट्रा द गणेश आइडल मार्क्स ऑफ बाली बालीपोला वुडन मेमोरियल्स विल गोल्स ठीक है मेमोरियल स्टोनोरेटेड क्ले स्टोरेज बीन एक्सेट्रा देखो हम अपने जो भी uh, ये बुल्स हो गए या फिर और भी कुछ चीजें हो गई उसको हम वर्शिप करते हैं जो अलग अलग जो व्हील्स होते हैं जो चक जो ऐसे, ऐसे व्हील्स देखो यून सी ये जो व्हील्स होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं ठीक है थेके?

ईयर्स ओल्ड और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन आप अगर स्टेचू ऑफ लिबर्टी को देखो या फिर ताजमहल को देखो या फिर किसी भी ऐसे हेरीटेज को देखो तो वो बहुत पहले से ही बनाए गए हुए ठीक है बहुत हज़ार साल पहले हो गया या फिर कुछ ऐसे ईयर साल पहले हो गया सालों साल पहले हो गया ठीक है तो यहाँ पे देखो फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड तो भी वो चीज़ें अभी तक हैं वो हमको रिमेंबर कराने के लिए कि पहले ऐसी चीज़ हो चुकी है ठीक है It is said that it is said that the art of carving out stone sculpture of larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillars. The Sanchi stupa was erected in Emperor Ashoka's time. However, the beautiful sculptural embellishment. of 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 stupa are are supposed to be later additions. The the sculptures at are of the continuous development of sculpture art in India. picture आपको यहाँ पे क्या कार्विंग दिखाई दे रही है ये में, कुछ ऐसे यहाँ पे देखो एलिफेंट है एंड then फिर यहाँ पे ऐसे कुछ दरबार है ये बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं है बट what आई कैन सी कि यहाँ पे एक एलिफेंट दिया हुआ है यहाँ पे देखो किंगडम आपने देखा होगा बहुत अशोका एम्पेर का या फिर मोरियंस का वहां पे ऐसे दो जन खड़े होते थे एंड देन कुछ हाथी घोड़े घोड़े भी होते थे सो so वैसे पे भी ना है। है? देखो इंडियन एग्नोग्राफी दा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बींग इन द सेकेंड सेंचुरी बी से इन अफगानिस्तान एंड नेबरिंग रीजन इट हैड अ ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। यहाँ पर देखो जैसे कि यूरोपियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे इंडियन जो भी स्कल्पर्स थे तो वैसे ही अभी क्या हो गया जो यहाँ पे जो अफगानिस्तान एंड जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि हमारे इंडिया के भी अफगानिस्तान हो गए पाकिस्तान हो गए चाइना ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सो वैसे ही पर्शियन के जो भी वहाँ पर स्कल्पचर्स होता था उनका आर्ट उनका डिज़ाइन करने का तरीका दे ऑल्सो इन्फ्लुंसड बाय देम

कु ऑफ इमेज ऑफ वेरियस यहां पर देखो दिस नटराज आप अगर किसी भी डांस इंस्टीट्यूट में जाओगे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओगे जो डांस करते हैं उनका ये एक क्या होता है वो इसको फॉलो करते हैं एंड दे की आप इसको जो भी बोल सकते हो देर ठीक है यहाँ पे देखो ना उनका जो आर्ट स्टाइल है वो किससे बिलोंग करता है डांस से So they keep these things there. During the period of Gupta, during the period of Gupta um, Empire, the ethnography rules were formulated and standards for sculptural art were set. The art of making bronze images was developed under the ज लक्ष्मी विष्णु एक्सेट्रा वेर मेड इन दिस पीरियड ओके आप अगर किसी टेम्पल्स में जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ कोई कोई तो गोल्ड के बने होते हैं ठीक है अगर आप महाकाल जाओ या फिर और भी कई चीजें जाओ ठीक है तो दे, मतलब वहां पर आपने अगर देखा होगा रील्स वगैरह में वो जो आ, जो पिक्चर्स आते हैं टेम्पल्स के वो सब किसने क्रिएट किए होते इतने अच्छी तरीके से कि मतलब ऐसा लगता नहीं कि वो इंसानों ने बनाया बट दे हैव क्योंकि आर्टिस्ट ने वो ऐसे पूरे ऐसे कार्विंग की होती है एंड दे हैव दैट दैट आर्ट वो लोग अपने इमेजिनेशन से वो क्रिएट कर सके ठीक है तो यहाँ पे भी आपको वही शो किया गया है सी आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर अभी आप आर्किटेक्चर देखो एंड स्कल्पचर देखो आपने बहुत सारे टेंपल्स में देखा होगा कि आप एंटर करने से पहले ही वो जो दीवारों पे टेंपल्स के बाहर ही वो लोग ने ऐसा स्कल्पचर क्रिएट किया होता है कि वहीं पे बहुत सारे ऐसे भगवान की भी पेंटिंग की जाती है तो वो किससे हुई है वो रॉक्स है उसको साइज और शेप देके उसकी वो ऐसे इमेज क्रिएट किया गया है There are a number of rock cut caves in India. The tradition of rock cut caves origin <laughs> originated in India in the 3rd century. Technically, the entire composition of a rock cut cave represents a union of architecture and sculptural art. It entrances in interior with its carved columns and images are excellent specimens of sculptural arts. The paintings on the walls and ceilings have survived in some of the caves till today. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो टेम्पल्स में एंटर करने से पहले ही बाहर बहुत सारे ऐसे डिजाइन होते हैं एंड इवन आप अगर टेम्पल में भी एंटर करते हो ठीक है तो वहां पे ऐसे जो ऊपर जो सीलिंग वगैरह होता है ना वहां पे भी वो लोग लो ने कुछ ऐसा डिजाइन किया होता है कुछ ऐसे उ, उनके अलग अलग तरीके से कुछ उन्होंने मेडअप किया होता है लाइक यहाँ पे ये सारी चीजें हैं यहाँ पे ये है ठीक है तो आप अगर सीलिंग पे भी देखोगे ना टेम्पल पे बहुत सारे ऐसे टेम्पल जो बहुत बड़े बड़े हैं इट मीन फेमस है अगर आप वहां पे एंटर करोगे तो आपको वहां पे दिखेंगे जो उनके सीलिंग्स वगैरह है वॉल्स वगैरह है वहां पे भी अलग अलग वो लोग क्या करते हैं जो भी रॉक कट केव्स होते हैं उस पर उन्होंने अपना डिजाइन किया होता है सो द रॉक कट केव्स एट अजंता जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अजंता केव्स अगर आप वहां पे जाओगे तो ऐसे बहुत आपको मिलेंगे लाइक वेर इन महाराष्ट्र वे डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983 इन टर्म्स ऑफ रॉक कट केव्स ठीक है आप लोग यहाँ पे देखो पिक्चर्स में देख लो यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव गिवन यू यहाँ पे देखो सी यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह हैं जो भी जो भी मतलब एशियंट टाइम्स पे या फिर अलग अलग तरीके से जो भी मुगल के जमाने में या फिर मौरियन एम्पायर के टाइम पे जितने भी रूलर्स होते थे उनका एंट्रेंस देख लो आप ऐसे ही कुछ क्रिएट किया गया होता था ठीक है अलग अलग ऐसे सोल्जर्स खड़े हुए हैं उनके पिक्चर्स है फिर कैसे कैसे ड्रॉइंग किए गए हुए हैं एंड ये जस्ट ऐसे रॉक से बने हुए हैं द स्टाइल आप साउथ इंडिया में देखो एंड नॉर्थ इंडिया में देखो तो वहां पर कुछ आप डिफरेंस पाओगे वही चीजें बताई गई हुई है ड्रेविडा स्टाइल ड्रेविडा स्टाइल गोपुरा यहां पे देखो ड्रेविडा स्टाइल किसका है सी इज फॉर साउथ इंडियन पीपल अब देखो यहां पे कुतुब मीनार आ गया ठीक है कुतुब मीनार इज वेयर इन दिल्ली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुब दिन ऐबक सो कुब दिन ऐबक के ही नाम से यू कैन फाइंड आउट की कुतुब मीनार उनके नाम से ही बना हुआ है एक मन मैंने सीएन फोर फ्लोर वर्क कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ़ अल्तमर्श, 13वीं सेंचुरी कंस्ट्रक्शन ऑफ़ कुतुब मीनार वर्क कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ़ फिरोज़ तुगलक, ठीक है? सो कुतुब मीनार का जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हुआ था कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मीनार इन द वर्ल्ड इट इज 73 मीटर्स 240 फीट सोच लो यहां पे बहुत कुतुब मीनार की जो हाइट है वो कितनी है 73 मीटर्स मतलब 240 फीट कितना लंबा होगा है ना कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैज़ बिन डिक्लेर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सो कुतुब मीनार को भी क्या बताया गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज बताया गया ठीक है बिकॉज़ जो हाइट है वो कितनी है 240 फीट इट मींस कि 73 मीटर्स द मुगल एंपायर शाहजहां तो मुगल अंबर शाहजहां बिल्ड ताज महल इन द मेमोरी ऑफ इज क्वीन मुमताज महल ठीक है तो यहाँ पे देखो शाहजहां को सब भी पता है शाहजहां ठीक है उन्होंने अपनी वाइफ के लिए फॉर द मेमोरी ऑफ हर उन्होंने ताजमहल बनवाया था एंड ताजमहल इज सो ब्यूटीफुल मैंने तो अभी तक नहीं देखा है बट है देखा मतलब ऐसे पिक्चर में तो सभी लोग देखते हैं है ना देखो यहाँ पे जब वो पिक्चर में इतनी ब्यूटीफुल है तो हम सामने जाके भी देखेंगे तो वो कितना अमेजिंग लगेगा दैट व्यू विल बी वेरी अमेजिंग जब हम सच में वहां पे जाके देखेंगे ठीक है सो आई विश कि हम सब वहां पे जाए एंड देखें The beauty of Islamic architecture in India, the world famous building has been declared as a world heritage by UNESCO. अगर आपने देखा होगा सात अजूबा ठीक है पूरे वर्ल्ड में तो सात अजूबे में से एक अजूबा आता है हमारा ताजमहल ठीक है See, the Golgumas at Bijapur in Karnataka was built in 17th century CE. This grand building houses at the bureau of Mahab, uh, Muhammad Adil Shah of Bijapur inside the dome. After which the building is named, there is a round gallery, even in the slight whisper by a person standing in this gallery, can heard everywhere. And if somebody claps from here, it echo can be heard many times. This is the gallery. Hai, अगर आपने यहीं से ऐसे देखो ना जैसे हम आरती के टाइम या किसी भी तरीके से टाइम हम तालियां बजाते हैं तो देखो उसका एको साउंड अगर आप माउंटेनियस या हिली रीजन पे हो एंड वहां से आपने किसी का नाम पुकारा या फिर कुछ बोला तो देखो एको साउंड आता है वो वापस आता है तो वैसे ही आपने अगर वो क्लैपिंग की ना तो वो एको साउंड बहुत दूर दूर तक जाएगा एंड वो बार बार वही चीज रिपीट करेगा ठीक है मला मराठी नहीं मराठी शिकू शकू नहीं देखो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स फोर पॉइंट थ्री इज इंडियन ट्रेडिशन So, India has independent and varied tradition of folk song, folk instrumental music, folk dances, and folk, folk which are characteristic of every particular region. So, here you have about folk folk like folk song, folk instrumental music, dances, and everything. Now, see, there exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. You have folk songs, folk dance, everything.

ये आ गया हमारा गोल गुम्बाज ठीक है गोल तो नहीं है अलग ही शेप में है बट गोल गुम्बाज बोला है इसको आई डोंट नो डों ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू द टेक्स्ट ऑफ नृत्य शास्त्र रिटन बाय भारत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लिएस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर जो म्यूजिक एंड थिएटर के बारे में बहुत जो बहुत पहले जो फर्स्ट एंड पहले के लोग थे वो कौन थे भारत मुनि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था अबाउट म्यूजिक एंड थिएटर फंडामेंटल इन द प्रेजेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स आर श्रीनगर लव हाथ से यूमर बी भस्टा रिपोल करुणा सैड वीर ठीक है भयानक फियरफुल भयानक चीजें क्या होती है फियरफुल दैट इज वो हिंदी में बोलते हैं अद्भुत अद्भुत इट मीन की वंडरस ठीक है अद्भुत चीजें बोलते हैं like, लाइक हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते बट वो चीज होती है एंड वो ऐसे तरीके से होती है दैट वी कैन इमेजिन अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है like, लाइक अद्भुत ठीक है ये बहुत ही ज्यादा अलग है एंड शांत दैट इज पीसफुल तो यहाँ पे अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम जैसे संस्कृत वर्ड्स में बोल देते ठीक है इंडियन पीपल केम इन टू कॉन्टेक्ट विद कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर नेशंस विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इट्स Indian people came into contact with cultural tradition of other nations and that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts enriching them over time as a result many styles of presenting of classical, vocal music, instrumental music and dance came into existence so Hamara more to do things that we unite people we bring unity we have festivals of बट फिर भी अलग-अलग रिलीजियंस के कास्ट के बट देन आल्सो वी केम टुगेदर टू सेलिब्रेट दैट वेरी फेस्टिवल तो उसके कारण भी ये सारी चीजें हुई है ठीक है देन वेरियस स्कूल्स प्रिजर्विंग दोस स्टाइल्स वर आल्सो क्रिएटेड यहाँ पे आप देख लो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल्स सो so जो मुंबई की रेलवे लाइन है यहां पे खत्म होती है ठीक है ये हमारा मुंबई आपने देखा होगा कभी भी बिफोर स्टार्टिंग एनी पिक्चर इफ अगर वो मुंबई में शूट हुई है तो आपको यही यही पहले दिखाया जाता है ये सी एस टी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स एंड देन उसके बाद मरीन ड्राइव हो गया गेट ऑफ इंडिया हो गया तो ये सारे लैंडमार्क्स होते हैं किसी चीज़ को मतलब बताने के लिए लाइक दिल्ली में इंडिया गेट हो गया अगर हम दिल्ली रेड फोर्ट अगर कोई बोले रेड फोर्ट कुतुब मीनार एंड इंडिया गेट सो हमारे माइंड में फटाक से क्लिक होता है यस दिल्ली then if we are talking about Gateway of India, drive, हमारे इंद्रायुम हमारे माइंड में आता है मुंबई, so ऐसे कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, okay? There are two main branches of the Indian classical music, दो ब्रांचेस है देखो यहाँ पे, <coughs> एक तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, that is लावनी डांस, है ना? मल्लाजावुदे आना घरी, ये वाला डांस, if I am not wrong. Then, देखो यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक म्यूजिक एंड सिमिलरली देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट कौन कौन से वो देखते हैं हम आगे इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल वोकल इट मीनस क्या होता है ऐसे मुंह से जो हम लोग बोलते थे मतलब ऐसे लाइक वी सींग सॉन्ग कुछ भी मतलब ऐसे कोई भी हमने सॉन्ग अगर गाया तो उसको हम वोकल फिर इंस्ट्रूमेंटल ठीक है कुछ चीजें देखो आपने देखा होगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपने देखो बांसुरी कोई कोई तो मुंह मतलब वो अपने मुँह से अपने वोकल से ही आ, ऐसे कुछ सुना देते बोल देते ठीक है तो हमको लगता है कि नहीं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बज रहा है बट नहीं वो एक आर्ट का आर्ट जो एक आर्टिस्ट है उसका एक आर्ट है दैट इज वोकली दे क्रिएट ठीक है

कुचिपुड़ी पुड़ी के ये सारी चीजें हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांसेस के कल्चर्स हैं सो so, अभी थोड़ी देर में थोड़ा पोर्शन मतलब वैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है इन इंडिया

हमारे आज़ादी के बाद ये सारी चीजें और पीपल लोग को इन्फ्लुएंस करने लगी ठीक है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से अभी देखो अभी मैंने जस्ट रिसेंटली ही पढ़ा था लाइक इन कोई तो कंट्री में ठीक है नॉट टू डेज बिफोर जो हम यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं दिवाली की छुट्टियाँ मिलती है ठीक है सो so वही दिवाली की जो सेलिब्रेशन होगी वो वो कंट्री में भी होगी एंड वो स्टूडेंट्स लोग को वहाँ पर छुट्टी भी मिलेगी ठीक है आपने देखा होगा मकर संक्रांति आया था इंडिया में सो so, वैसे ही जो भी हम उसमें खाते हैं केले के पत्ते वगैरह में तो वैसे ही इन दैट वे हैव सेलिब्रेटेड देखो हमारी मकर संक्रांति होती है या फिर uh, केरला में या तमिलनाडु में पोंगल होता है तो दैट वेरी जो भी वहाँ पे फेस्टिवल्स हुआ था वो सेम वे अदर कंट्री में भी मनाया गया था ठीक है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन ट्रेडिशन फॉरेन कल्चर जो भी वो लोग भी फॉलो करते हैं

also include various forms of folk dance in his style thus the scope of the presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding so what is constantly expanding it means that it is the same phenomenon is apparent in the field of Indian visual arts and this same this same scene okay phenomena we are seeing this in Indian visual arts mein वेरी लास्ट टॉपिक दैट इज फोर पॉइंट art आर्ट अपलाइड आर्ट एंडल अपॉर्चुनिटीज आपने हर एक चैप्टर्स में देखा होगा कि जब मैंने स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पढ़ाया था टूरिज्म पढ़ाया था हेरिटेज पढ़ाया था मास एंड मीडिया पढ़ाया था एवरी सबके लास्ट में आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बताई गई है ठीक है एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको किसके पूरे पूरे चैप्टर्स में से एक में तो आएगा कि इसकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है सो लास्ट चैप्टर गोइंग टू कंप्लीट ठीक है मतलब कंप्लीट मतलब ये वाला चैप्टर ठीक है आर्ट्स आर्ट्स आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म सो जो भी आर्ट हिस्टोरियंस है वो किसके कहाँ पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं जर्नलिज्म में क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी चीजें नॉलेज है आप देखो वहाँ ब्लॉग्स वगैरह जो बनाते हैं लोग YouTube पे तो वो अलग अलग अलग, अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर करते हैं ठीक है एंड वो सारी चीजें वहां पे जाके अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओगे ठीक है तो वहां पे जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं ना उनको किसी को नहीं पता होता किसी को पता होता है ठीक है तो वहां पे वो कब बिल्ड हुआ मतलब तो वो लोग ऐसे पूछते हैं एंड वहां पे वो गाइडेंस गाइडर लोग भी रहते हैं गाइड करने के लिए एंड एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है स्टूडेंट चैट्स आप लोग प्लीज कम करिए ठीक है इनडायरेक्टली मैंने किसी और को ही कहा है ठीक है तो प्लीज चैट्स मत करिए ज मैनेजमेंट स्टूडेंट आई एम गेटिंग टूमारो इज माई हिस्ट्री पेपर हाय अमन आप प्लीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेफर कर लेना एंड जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना ऑल द बेस्ट यू सो वी आर अबाउट टू फिनिशिंग दिस चैप्टर तो प्लीज ध्यान दीजिए and मैनेजमेंट एंड कल्चरल recently developed fields इन दिस फील्ड स्टूडेंट ऑफ आर्ट कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आप कुछ भी करते हो ठीक है पढ़ा भी रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है या फिर खेल कूद भी रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट museums and arches management library science and information technology archaeological research indology are some important fields in this regard okay. so you can follow it and search all the informations about this <coughs> स्टूडेंट प्लीज डोंट मेक फन इन द चैट मैम हेमंत भैया को बोलो मस्ती बाद में अच्छा आज हेमंत भैया नहीं है आज कोई और ही है हेमंत भैया इज नॉट अवेलेबल हियर हेमंत भैया से भी बढ़कर है कोई हाँ हाँ राइट यूसुफ आपने जिसका नाम लिया है ना वही है यस एब्सोल्युटली करेक्ट चलो ठीक है इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट अभी देखो वो जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसको भी किसी ने डिजाइन करते हो ठीक है अलग अलग आप देखते हो ज्वेलर की दुका, दुकान पे जाते हो या फिर अलग अलग जगह जाते हो तो अपने अपने डिजाइन बनाते हो ये नहीं ऐसे नहीं बनाना है वैसे बनाना है ये ज्वेलर मुझे ऐसे चाहिए ये नेकलेस का डिजाइन ऐसे चाहिए तो उसको भी किसी कोई ना कोई आर्ट करता होगा ठीक है क्रिएट करता होगा अपने अपने डिजाइन से देन आई डायरेक्टशन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ बुक्स मैगजीन्स कैलीग्राफी प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड्स इनविटेशन कार्ड्स अब यहाँ पे देखो शादी के कार्ड भी देख लो अलग-अलग तरीके से किसी के फोटो छाप के बनते हैं पहले तो कागज वागज़ में ही दिए जाते थे अभी तो अलग-अलग पूरे टेक्नोलॉजी को ही पूरा एकदम बढ़ा दिए हैं ना अलग अलग कलरफुल डिजाइन करके एंड फिर उसके जो पेपर्स वगैरह कार्ड्स वगैरह भी आते हैं ऐसे फूल छपे रहते हैं पहले देखो तो शादियों के जो ये होते थे क्या होते थे वीडियोस होते थे उस पर ऐसे कुछ फूल वगैरह यहाँ पे उड़ रहे हैं फिर बारिश आ रही है फिर वहां पे वो ठीक है तो बट अभी अभी कुछ अलग ही है मैम आप हंसो मत

सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपलाइड आर्ट ऑर्नामेंट्स आर्टिस्टिक जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं उसको डिजाइन करते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आपको डिजाइन पहले आप देखो वो पॉट्स वगैरह जो घड़े वगैरह हैं ठीक है ठीके? वो सिर्फ मरून कलर में ब्राउन कलर में होते थे बट और भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई उसको हमने वास बना दिया है ना वो वास इस, जो हम लोग ऐसे गुलदस्ता रखते हैं वो उसको बोलते हैं वे, उट ऑफ वेस्ट जो भी तो उसमें से यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ऐसे कुछ भी क्रिएट करते हैं कुछ भी ऐसे आ, जो भी जो कचरे वाली चीजें होती है लाइक कचरे इन देंस लाइक जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको यूज करके दे मेक इट बेस्ट There are few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned fields. Among them, National Institute of Design in Ahmedabad, Gujarat is a world renowned institute. So देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो आर्ट है, आर्टिस्ट है, वो लोग बहुत ही ऐसे ट्रेनिंग देते हैं एंड उनके स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। This institute has introduced an online course since 2015. So in the next lesson, we will learn about mass media and history. जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है मास मीडिया एंड हिस्ट्री थी। ठीक है तो सिर्फ हमारे दो चैप्टर्स बाकी हैं आज ही हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए कल और एक हो जाएगा एंड अबाउट सेकेंड चैप्टर सेकेंड चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा लेंथी है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा तो वो भी टिल थर्सडे तक मैं कर दूंगी मतलब ये वीक में ना मैं पढ़ा दूंगी सारी चीजें ठीक है नहीं नहीं कुछ बात नहीं है मैम आप हंस रही तो कुछ तो बात है बताओ मैम हे भगवान कुछ बात ठीक है तो समझ में आया आपको आर्ट फोक डांस क्लासिकल एवरीथिंग मैम बच्चों को नहीं समझा फोक डांस नहीं समझा ठीक है हेलो एवरीवन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर गाइस आपको डांस समझा है नहीं समझा ना सो मैम आई थिंक यू यू शुड एक्सप्लेन देम प्रैक्टिकली नहीं समझा मैम आई थिंक यू शुड एक्सप्लेन देम प्रैक्टिकली मैम यू शुड डांस सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस डांस यू आर टॉकिंग अबाउट नहीं मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मेरा भी तो साइड ले लो हमेशा सर की साइड लेना है क्या ऑबवियसली दे लव मी आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ही इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल डांस करके दिखाओ then, then तो वो then, तो, then तो then नहीं पॉसिबल होगा तभी वो लोग समझ पाएंगे है ना बच्चों डांस आप तभी समझ पाओगे ना जब मैम प्रैक्टिकली बताएंगे डांस करके हाँ मैम नहीं नहीं Exactly आई एम रेडी टू सिंग अ सॉन्ग नो विद माय एलेक्सा

ठीक है चलिए हम बाद में मिलेंगे ठीक नेक्स तो है नेक्स्ट प्लीज में प्लीज तो सर डांस करके दिखाएंगे उसके बाद में डांस करूंगा हाँ सर वही फोक डांस हो गया इंस्टाग्राम में जाके देख लो कोई समस्या नहीं है बोल प्लीज मैम सर आओ ना मैं आप डांस कर दीजिए कोई नहीं देखेगा बच्चे लोग हैं जिन लोगों को समझ जाएगा डांस कैसे करते चलो ठीक है बाय बाय एवरीवन